नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है ऑप्टूजर्स पे। तो सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ हरियाणा के लिए आप सभी के लिए अपडेट है। और यहाँ पर जो भी स्टूडेंट चाह रहे हैं किसी भी टीपीजी के अंतर्गत एडमिशन हो, तो आप यहाँ पर डिफरेंट कोर्सेज में फ़र्स्ट ऑफ ऑल सीट की वैकेंसी देख लीजिएगा कि यहाँ पर सीट कितने वैकेंट है। जैसे आप यहाँ पर एम फार्मा कोर्स के लिए देख सकते हो कि कितना सीट जो है वैकेंट है। एम एस सी माइक्रोबायोलॉजी के लिए, एम ए साइकोलॉजी के लिए, एम एस सी बायोटेक्नोलॉजी के लिए जो है आप यहाँ पर सीट वैकेंट देख सकते हैं। ऐसे ही लगभग जो है यहाँ पर आप देख सकते हैं कि 36 कोर्सेज हैं जिनमें कि सीट अभी भी वैकेंट है। क्लियर? तो हम एक जो है नोटिस को ओपन करते हैं और आपको जो है डिटेल में बताते हैं कि करना क्या है आपको। क्लियर? तो और नंबर ऑफ़ सीट वैकेंट भी कितनी है वो भी देख लेते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो है डिटेल्स क्या है। आपको पहली बात तो ऑफलाइन जो है वैकेंट सीट आप लोग देख सकते हो, कि भी आगे बताएंगे हम लोग ऑफलाइन। और फिज़िकल ओपन जो है काउंसलिंग के 11 के लिए 11 तारीख को आप जा सकते हो यहाँ पर सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ हरियाणा में। और यहाँ पर मैंने इकोनॉमिक्स का करा है, ठीक है? तो जो है इकोनॉमिक्स में आप देख सकते हो कि टोटल नंबर ऑफ़ सीट फॉर यूआर कितनी है, 16 है, जिसमें कि 8 जो है फिल्ड हो चुकी है और 8 अभी भी क्या है, वैकेंट है। ऐसे ईडब्ल्यूएस में 4 सीट्स है और 3 जो है अभी भी फिल्ड है और 1 अभी भी वैकेंट है। ऐसे ही ओबीसी में जो है आप देख सकते हो कि 11 सीट जो है टोटल है और 8 जो है फिल्ड हुई है, 3 अभी भी वैकेंट है। और एससी के लिए जो है 6 सीट जो थी और उसमें 0 सीट्स अभी भी फिल्ड, मतलब एक भी सीट फिल नहीं हुई है, 6 सीट अभी भी वैकेंट है। यहाँ पर एसटी में अगर हम देखेंगे तो टोटल सीट 3 है और फिल्ड हो गई है 1 और वैकेंट अभी भी 2 है। अब बात करेंगे कि कितने मार्क्स तक यहाँ पर लोगों ने रिपोर्ट किया था। तो सीयूटी स्कोर कार्ड की बात करें तो सीयूईटी स्कोर कार्ड में जो स्टूडेंट को ऑफ़र किया गया था, लास्ट 150 पर जो है यूआर में एडमिशन हुआ है, उसके बाद वाले आप लोग तो जा सकते हो एडमिशन के लिए। ईडब्ल्यूएस में 128 पर जो है लास्ट टाइम एडमिशन हुआ है कैंडिडेट का, तो उसके नीचे वाले भी जा सकते हैं। ओबीसी में 147 तक यहाँ पर एडमिशन हुआ, उसके नीचे वाले यहाँ पर एडमिशन के लिए जा सकते हैं। एससी कैटेगरी में 116 तक एडमिशन हुआ है, उसके नीचे वाले भी जा सकते हैं। और एसटी कैटेगरी में 85 पर एडमिशन हुआ है, उसके नीचे वाले भी यहाँ पर जा सकते हैं। तो आप लोग देख सकते हो कितना लो मार्क्स पे यहाँ पर एडमिशन हुआ है। और सिर्फ ये इकोनॉमिक्स में ही नहीं है, ये लिस्ट आप देख सकते हो कि डिफरेंट, जैसे आपका एम ए हिंदी, एम ए सोशोलॉजी, एम ए साइकोलॉजी, जितने भी 32 प्रोग्राम्स यहाँ पर है सब में लगभग सीट वैकेंट है अभी भी। तो आप जा सकते हो वहाँ पर जो है काउंसलिंग की, फिजिकल काउंसलिंग की डेट दी है, ऑफलाइन काउंसलिंग की डेट यहाँ पर दी है, आप उसके अकॉर्डिंग जो है वहाँ पर जाओगे। और कोई भी क्वेरी है, देखिए यहाँ पर डिपार्टमेंट का नाम, डिपार्टमेंट में जो भी हेड है या फिर उसका नंबर भी दिया हुआ है और ईमेल एड्रेस भी दिया हुआ है, तो कोई भी क्वेरी और कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप इस नंबर पे कांटेक्ट भी कर सकते हैं। ऐसे ही आप डिफरेंट प्रोग्राम को जब ओपन करोगे कि कितना सीट वैकेंट है, उसके जस्ट नीचे आपको कांटेक्ट नंबर और क्वेरी करने के लिए नंबर दिया, तो आप वहाँ पर कॉन्टैक्ट कर सकते हो। तो ये अपडेट है, लो मार्क्स वाले यहाँ पर जा सकते हैं एडमिशन के लिए, फिजिकल जो है वेरीफिकेशन के लिए और एडमिशन के लिए, और सीट भी काफ़ी अभी भी वैकेंट है। क्लियर? और कोई भी अपडेट होगी यूनिवर्सिटी से हम चैनल पर ही देंगे, और सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा, बेल आइकन प्रेस करना नहीं भूलिएगा। धन्यवाद।